Hello everyone, welcome to my YouTube channel Priyanka Time and Tricks. So today we are going to discuss the remaining question of our last lecture, and that is long division method. So without wasting any time, let's get started. तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि टाइप्स के, जैसे इस मेथड के क्वेश्चंस कैसे आपसे पूछे जाते हैं. तो हमने एक मेथड डिस्कस कर लिया था जब आपने करना है सब्ट्रैक्टेड मेथड से अंडर द लॉन्ग डिवीजन मेथड. फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6 to 0 3 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ इट. ये सारा क्वेश्चन हम कल डिस्कस कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में. अब इस वीडियो में मैंने आपको बताना था ये ग्रेटेस्ट नंबर मैंने क्यों लिखा है ब्रैकेट में, राइट? तो देखो, आपका मैंने लिखा है इसका ग्रेटेस्ट क्वेश्चन का मतलब ग्रेटेस्ट नंबर का कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है. फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 digit विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर. आपको एक ग्रेटेस्ट नंबर 6 digit का फाइंड आउट करना है और आपको उसका स्क्वायर भी निकालना है, राइट? तो देखो, अब आपने अगर देखो ये सब कुछ भूल जाओ, अब आपको सिर्फ ये याद रखना है ये क्वेश्चन आया. सपोज एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आया और आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है. एक हमने पढ़ा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक हमने पढ़ा है लॉन्ग डिवीजन मेथड, राइट? तो देखो, लॉन्ग डिवीजन और प्राइम फैक्टराइजेशन कब आपने पढ़ना है? जब मल्टीप्लाई और डिवाइड हो तब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हो, ये क्लियर है. इसके अलावा कोई और चीज़ आए तो आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना है. तो जब मल्टीप्लाई और डिवाइड आए तब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है. इसके अलावा कोई और, जैसे ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ आपको कुछ नहीं बोला कि सब्ट्रैक्टेड करना है या एडेड करना है या मल्टीप्लाई या डिवाइड. तो आपने क्या करना है, जब आपको कोई ऐसा हिंट नहीं दिया तो आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना है. अब उसमें हमने देखना है कि कौन सा लगाना है, सब्ट्रैक्टेड वाला, हम क्योंकि दोनों के मेथड ना अलग अलग होते हैं. जब सब्ट्रैक्टेड आए तो आप किसी और पैटर्न से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, और जो एडेड है जो इस वीडियो में डिस्कस करूंगी वो अलग होता है, ठीक है? तो जब भी ग्रेटेस्ट नंबर आए ना तब आपने सब्ट्रैक्टेड मेथड लगाना है. ग्रेटेस्ट एक बड़ा नंबर है तो आपने उसको, जैसे ऊपर हाई वैल्यू है तो उसको थोड़ा लो डाउन करना है. तो ग्रेटेस्ट वैल्यू है तो सब्ट्रैक्टेड मेथड करना है. अब अगर इसी की जगह लीस्ट मेथड आए, अगर आपको याद होगा मैंने ऐसे ही एक स्टेटमेंट लिखी थी बट सब्ट्रैक्टेड की जगह एडेड लिखा था और ब्रैकेट में ग्रेटेस्ट की जगह लीस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर लिखा था. तो जब सब मतलब ग्रेटेस्ट नंबर आए तो आपने सब्ट्रैक्टेड वे यूज़ करना है, और जब लीस्ट नंबर आए, एक बहुत छोटा नंबर है, उसको थोड़ा ऊपर लेकर आना है, ठीक है? मैंने इन्वर्स याद रखना, ग्रेटेस्ट हाई वैल्यू है तो आपने सब्ट्रैक्टेड मेथड यूज़ करना है, और जब लीस्ट वैल्यू है या स्मॉलेस्ट वैल्यू उसमें आपने एडेड मेथड यूज़ करना है. तो ये थे आपके की पॉइंट्स. तो ग्रेटेस्ट वैल्यू में आपने फिर वही करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करना है. अब 6 ग्रेटेस्ट नंबर, तो आप 9, क्योंकि हमें पता है ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है, 9, और 6 digit है तो आपने 9 6 times लिख लेना है तो आपका नंबर आ जाएगा. आपने इसका लॉन्ग डिवीजन कर देना है बस, और लॉन्ग डिवीजन कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया था, राइट? तो एक बार फिर से रिकॉल कर लो, ग्रेटेस्ट नंबर तो सब्ट्रैक्टेड, ग्रेटेस्ट तो सब्ट्रैक्टेड, और लीस्ट नंबर तो एडेड, बस. अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन की जिसमें एडेड मेथड हमने यूज़ करना है, ठीक है? मेथड तो लॉन्ग डिवीजन ही है, अब उसमें हम एडेड का कैसा पैटर्न होता है, सब्ट्रैक्टेड का आपने पता लगा लिया, एडेड वाला कैसा पैटर्न हमने कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को वो देख लेते हैं. उससे पहले देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू फ्रॉम 6 to 0 3 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वेयर नंबर. सेम क्वेश्चन है देखो, जो अभी मैंने पहले डिस्कस किया सब्ट्रैक्टेड वाले से, सेम वाले एग्जाम्पल लिए अब एडेड वाले से, राइट? अब मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, लीस्ट नंबर. जब भी एडेड वाला मेथड, देखो लीस्ट नंबर सबसे कम वाला नंबर, उसमें कुछ हम ऐड करें ताकि वो इक्वल लेवल पर आ जाए, तो ऐसे याद रखना, ठीक है? हाई वाला तो उसमें माइनस, लो वाला तो उसमें ऐड. तो अब एडेड मेथड, तो लीस्ट नंबर का क्वेश्चन कैसा आता, जैसे मैंने ग्रेटेस्ट वाला बताया था वैसे ही लीस्ट वाला, वो भी एकदम सेम है. फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 6 digit विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर, जो परफेक्ट स्क्वेयर हो. ऑल्सो फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ इट. यहाँ पिछले वाली उसमें क्वेश्चन में क्या था, लीस्ट की जगह ग्रेटेस्ट नंबर था, अब वही लेना. देखो ग्रेटेस्ट में हमने कौन सा नंबर लिया था, 999 वाला, इसमें कौन सा लेना है, 6 है तो 100000 वाला ले लो, ठीक है? तो आ जाएगा आपका लीस्ट नंबर, और बाकी आपने क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन ही करना है. अब एडेड वाला सिखाऊंगी तो ये जो लीस्ट वाला मेथड है उसको हमने एडेड वाले से सॉल्व करना है, राइट? तो एडेड वाले में हमने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप वही है लॉन्ग डिवीजन,
कैसे करना है मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो राइट। तो ये मैंने लॉन्ग डिवीजन की तो आपका आंसर आया 78 और रिमाइंडर रह गया। मैंने आपको बताया था ऐसे के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता। तो जैसे यहाँ देखो आपका रिमाइंडर 119 आ रहा है, दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अब हमें हमने क्या समझा था, जब रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो जो क्वेश्चन होता है उसका स्क्वेयर ये नंबर होता है, यही था। जब रिमाइंडर ज़ीरो आता था तो ये जो क्वेश्चन का स्क्वेयर होता था वो हमारा ये आता था, है ना, क्योंकि ये उसका स्क्वेयर रूट हम निकालते होते थे। तो अब यहाँ पर रिमाइंडर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 78 का जो स्क्वेयर है वो इससे तो छोटा होगा तभी रिमाइंडर दे रहा है वो, है ना। अगर ये बड़ा होता तब तो नेगेटिव में वैल्यू आनी थी आपकी, बट जो आपकी वैल्यू है वो पॉजिटिव में, मतलब जो 78 का जो स्क्वेयर है, ये देखो 78 का स्क्वेयर वो स्मॉलर है ये जो आपका गिवन नंबर है, ठीक है। तो हमने ये पहला स्टेप क्लियर हो गया, रिमाइंडर बच गया, मतलब जो 78 का स्क्वेयर है, क्वेश्चन का जो आपका स्क्वेयर है वो इससे इस नंबर से छोटा है, ठीक है। अगर यहाँ रिमाइंडर नहीं आता मतलब 78 का स्क्वेयर ये गिवन नंबर था, बट ऐसा यहाँ नहीं हुआ तो मतलब 78 का स्क्वेयर स्मॉलर है ये आपका गिवन नंबर से। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, उससे बड़ा वाला ले लो, ठीक है। तो 78 से नेक्स्ट 79, तो 79 का स्क्वेयर हमने ये लिख लिया कैलकुलेशन कर कर, क्या था 78 का स्क्वेयर इसे स्मॉलर है, 79 ले लिया। फिर नेक्स्ट अब एडेड वाले मेथड में क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर कर जो आपका नंबर आएगा वो आपका लीस्ट नंबर है जो आपने ऐड करना है। सुनो कि ध्यान से क्या बोला मैंने, ये आ गया कि 78 का स्क्वेयर इससे लेस है गिवन नंबर से, उसका नेक्स्ट ले लिया 78 + 1 79 का स्क्वेयर, तो 79 का स्क्वेयर है ये। अब इन दोनों को आपने माइनस करना है, इनके स्क्वेयर्स के बीच का डिफरेंस निकालना है जो कि है 38, और 38 वो लीस्ट नंबर है जो आपने ऐड करना है ताकि ये जो गिवन नंबर है वो आपका क्या बन जाए, एक प्रॉपर स्क्वेयर रूट। अब देखो 38 को अगर आप इस गिवन नंबर में प्लस करोगे तो कौन सा नंबर आएगा, यही आएगा क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 38 है। तो 38 को अगर मैंने इस नंबर में प्लस करती हूँ तो आपके पास ये आएगा, और हमें पता है किसका स्क्वेयर है, देखो 79 का स्क्वेयर है। तो आपको नेक्स्ट जो आपका आंसर है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ इट। तो आपने स्क्वेयर रूट ऐसे बताना नहीं कि 79 है, ऐसे आपने लॉन्ग डिवीजन से फिर शो करना है। देखो मैंने प्लस किया, गिवन नंबर प्लस 38 इज इक्वल्स टू, ये आपका आ गया आंसर 6241। अब मैंने इसका स्क्वेयर रूट फाइंड आउट कर लिया तो वो 7 7 49, ये याद ही होता है, उसके नेक्स्ट वाला जो हमारा नंबर लिया होता है ना वही बनता है, तो वही आएगा आपका आंसर। तो ये था आपका एडेड मेथड। फिर से रिकॉल कर लो, सब्ट्रैक्टेड मेथड में हमने क्या करना था, मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए भी टाइम दूंगी। एडेड मेथड में हमने क्या करना था कि सब्ट्रैक्टेड पहले रिकॉल करते फिर कंपैरिजन से करना। सब्ट्रैक्टेड मेथड में जो आपका गिवन नंबर है 6203 उसका हम लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करते थे, जो रिमाइंडर बचता था उसको हम माइनस करते थे, जो आपका नंबर आता था वो परफेक्ट स्क्वेयर होता था, फिर उसका आपने स्क्वेयर रूट फाइंड आउट करना होता था, ये था। एडेड मेथड में हमने क्या करना है, जो आपका गिवन नंबर है उसका लॉन्ग डिवीजन करोगे, जो रिमाइंडर है डायरेक्ट माइनस नहीं करना, जो आपका क्वेश्चन है उसका स्क्वेयर वो उससे कम होता है गिवन नंबर से तो उसका नेक्स्ट लेना है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस करना है वो आपका लीस्ट नंबर है, फिर उसको आपने इसमें प्लस करना है, किस में, गिवन नंबर में, और उसका स्क्वेयर रूट फाइंड आउट कर देना, राइट, क्योंकि जब आप प्लस करोगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वेयर ही बनता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले जल्दी से, मैंने दोनों का कंपैरिजन बताया सब्ट्रैक्टेड और एडेड मेथड का। अब सब्ट्रैक्टेड में ग्रेटेस्ट नंबर रीजन बता चुकी हूँ, कैसे ट्रिक भी बता चुकी हूँ, कैसे लर्न करना है, कैसे मेमोराइज रखना है। एडेड में लीस्ट नंबर, तो मैंने इनका सॉल्यूशन बताया, कंपैरिजन का कंपैरिजन हो जाएगा और आपको पता भी लग जाएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, राइट। तो देखो सब्ट्रैक्शन मेथड, ग्रेटेस्ट नंबर मैंने ये लिया 9999 सिक्स टाइम्स, क्योंकि सिक्स डिजिट का बनाना था, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। उसका मैंने लॉन्ग डिवीजन किया, एक बार ध्यान से देख लेना, नहीं समझ आएगा कमेंट कर कर मेरे को पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मैं बता चुकी हूँ कि कैसे करते हैं हम सॉल्व, तो एक बार कैलकुलेशन देख लो, सिर्फ रिकॉलिंग करा रही हूँ कि कैसा कंपैरिजन, दोनों में क्या डिफरेंस है। आपका रिमाइंडर आया, रिमाइंडर ही हमारा सब्ट्रैक्टेड मेथड में लीस्ट नंबर होता है, तो लीस्ट नंबर को हमने इस गिवन नंबर से माइनस करना है, जो नंबर आएगा उसका मैं स्क्वेयर रूट नहीं बता रही हूँ, ऐसे ही लॉन्ग डिवीजन कर कर आपने उसका स्क्वेयर रूट फाइंड आउट कर लेना है, उसका आंसर आ जाएगा ये। आया सब्ट्रैक्शन मेथड में लॉन्ग डिवीजन किया गिवन नंबर का, जो रिमाइंडर है वो लीस्ट नंबर है और उसी को माइनस किया तो वो नंबर आएगा, उसका फिर आपने आगे स्क्वेयर रूट फाइंड आउट करना है, दैट्स इट। एडेड नंबर में, और ये याद रखना, एग्जाम में एडेड नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसी से आता है, सब्ट्रैक्टेड का 99 में से 2% चांस बोल सकते हैं हम, बट बाकी 98% इसी का आता है, ठीक है। एडेड में लीस्ट नंबर,
वो मैंने ये लिया, हमें पता है जीरो लिस्ट पर आगे वन लगाना होता है, तो ये 1 2 3 4 5 फाइव जीरोस और वन, ताकि सिक्स डिजिट का बन गया, ठीक है। उसका लॉन्ग डिवीजन किया मैंने, ये सॉल्व आया, रिमाइंडर नहीं होता हमारा लीस्ट नंबर। इसका मतलब ये है कि ये जो ये हमने लिया ना डिजिट, वो 6316 का स्क्वायर जो हमारा क्वेश्चन है उसका स्क्वायर से बड़ा नंबर है ना। फिर हमने उसका नेक्स्ट ले लेना है, तो वो 317 का स्क्वायर वो ये है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ये थोड़ा लंबा होता है, ठीक है। तो 317 का स्क्वायर लिखा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा लीस्ट नंबर होता है। डिफरेंस किया, अब उसको हमने जो गिवन नंबर है उसमें प्लस की कर दिया, जो नंबर आया उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। सब्ट्रैक्टेड मेथड में रिमाइंडर को माइनस करते गिवन नंबर से, फिर उसका स्क्वायर रूट। एडेड में रिमाइंडर हमें ये बताता है कि भाई 317 का जो स्क्वायर है वो इससे छोटा है, उससे नेक्स्ट लिया उसका स्क्वायर, दोनों के बीच का डिफरेंस आपका लीस्ट नंबर है, फिर आपने उसको ये गिवन नंबर में एड अप कर लेना है और उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देना है। दैट्स इट। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम एस्टिमेशन मेथड के साथ मिलेंगे। और याद रखना, जो आप इस चैप्टर में सारा ये मेथड्स वगैरह जो पढ़ रहे हो ना, उसका जो नेक्स्ट चैप्टर आपका जो DAV पब्लिकेशन फॉलो करते हैं उसका नेक्स्ट चैप्टर है क्यूब एंड क्यूब रूट, उसमें यही सारा रिकॉलिंग है फिर से, बस थोड़ा सा एडिशन होगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से क्लियर कर लो अच्छे से, नहीं आता कमेंट कर पूछो मेरे से, फिर मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में एस्टिमेशन मेथड मिलेंगे। So till then, take care, bye-bye, thank you.